झारखंड और देश विदेश के खबरों में आपका स्वागत है। पहला खबर है रांची से। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी बनाए जा सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त बनाए जा सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग ने तिवारी को आयुक्त बनाने की अनुशंसा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद ही इस संदर्भ में निर्णय लिया जा सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव जल्द आ सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी डॉक्टर के अलावा कानून और अर्थव्यवस्था की भी जानकारी है। राज्य गठन के बाद तिवारी झारखंड केडर में आ गए। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी डीके तिवारी पिछले साल मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। यह खबर है जमशेदपुर से। शहादत दिवस पर याद किए तिलका मांझी। विधायक मंगल कालिंदी ने की भव्य प्रतिमा बनाने की घोषणा। झारखंड जनतांत्रिक महासभा और शहीद स्मारक समिति की ओर से जबरा पहाड़ी उर्फ तिलका मांझी का शहादत दिवस तिलका मांझी चौक डीमना में बनाया गया। सबसे पहले तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहादत को नमन किया गया। इसके बाद उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। सुसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। यह खबर है धनबाद से। भूली आजाद नगर में दुकान का ताला तोड़कर चोर नगद लेकर चंपत हो गए। आजाद नगर में जय मां तारा इंटरप्राइजेज दुकान का ताला तोड़कर बीती रात अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोर ने गल्ला से लगभग 4,000 रुपये नगद चोरी कर ली। भुक्तभोगी गुड्डू चौधरी ने बताया कि सुबह दुकान का ताला टूटा हुआ था। यह खबर है रांची से। रांची में महंगी होगी सिटी बस की सवारी, पार्किंग शुल्क भी बढ़ेगा। रांची नगर निगम सिटी बसों का किराया बढ़ाने जा रहा है। किराए में दुगने से लेकर 50% तक का इजाफा करने जा रहा है। यही नहीं, पार्किंग शुल्क में भी 50% से लेकर 80% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसे लेकर नगर निगम ने मसौदा तैयार कर लिया है। 21 जनवरी को प्रास्ताविक बोर्ड की बैठक में इसे रखा जाएगा। बोर्ड की हरी झंडी के बाद राजधानी में बस किराए और पार्किंग शुल्क की नई दरें लागू हो जाएंगी। फेफड़े बदले जाने के बाद शरीर में दिख रहा है बदलाव, पांडे बाबा ने मिलकर दी यह नसीहत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहे हैं। चेन्नई के MGM अस्पताल में 10 नवंबर 2020 को ऑपरेशन कर महतो का फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद वे MGM में ही भर्ती हैं। ऑपरेशन के 2 महीने बाद स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टर अस्पताल से रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वह एक पखवारा में झारखंड आ सकते हैं। इस बीच महतो के राजनीतिक प्रतिद्वंदी गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। पांडे ने महतो को दीर्घायु का आशीर्वाद किया है। कांग्रेस के नेता बिकाऊ, फुरकान ने फोड़ा बड़ा बम। RPM खुल्लम खुल्ला मंत्रियों से ले रहे हैं पैसे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लाख प्रयास के बावजूद बागी गुट शांत नहीं हो रहा है। इस क्रम में मंगलवार को पूर्व सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता फुरकान अंसारी ने एक बार फिर वरीय नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ राज्य के हालात पर लंबी चर्चा की। टाटा वर्कर्स यूनियन के सत्ता पक्ष को बड़ा झटका। विपक्षी खेमे के संतोष कुमार सिंह बने निर्वाचन पदाधिकारी, 17 मतों से जीते। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। विपक्षी खेमे के संतोष कुमार सिंह निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर संतोष कुमार सिंह 17 वोट से विजयी हुए हैं। चुनाव संचालन समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष से 3-3 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। PM मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, भारत को बनाया बिजली सरप्लस राष्ट्र। कई क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर हासिल कर चुका है। भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर से कदम बढ़ा चुका है। सरकार इसकी आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए अब खाना पकाने के बिजली का उपयोग कर जोर देने की योजना पर काम कर रही है। कोयला और सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में वृद्धि की क्षमता के कारण 2019 में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस देश बन चुका है। आज देश की कुल स्थापित क्षमता 374 GW से अधिक है, जो कि डिमांड से कहीं ज़्यादा है।
लोहड़ी जलाकर किसानों ने मांगी मोदी के मरने की दुआ। गाना गाकर कहा मोदी मर जा तू, वीडियो हुआ वायरल। देखिए वीडियो। कृषि कानून के विरोध में किसानों को मोहरा बनाकर सियासत चमकाने और आग भड़काने की कोशिश जारी है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि किसानों के आंदोलन को देश विरोधी ताकतें प्रभावित करने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कुछ महिला और पुरुष किसान लोहड़ी जलाकर पीएम मोदी की मरने की दुआ मांग रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस की किरकिरी, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका। बाहुबली माफिया डॉन से नेता बने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को कांग्रेस शासित पंजाब सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की कोर्ट में पेशी की इजाजत नहीं देने को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की जमकर किरकिरी हुई है। इस मामले को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीट पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा गया है। बीते मंगलवार को हैशटैग मुख्तार पर मेहरबान प्रियंका ट्वीट पर टॉप ट्रेंड पर रहा। इंडो पैसिफिक को लेकर यूएस का एक बेहम अहद दस्तावेज लीक कर दिया गया, अब ये बाइडेन को काबू में रखेगा। एक बेहद ही अहम निर्णय में ट्रंप प्रशासन ने अपने इंडो पैसिफिक रणनीति को डिसलाइस पैक कर दिया है। इन दस्तावेजों में अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किए जा रहे कामों का लेखा जोखा है, विशेषकर चीन के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों का। आमतौर पर यह काम बहुत वर्षों बाद होता है, लेकिन जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले इस निर्णय को लागू करना ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर से एक अहम कदम समझा जा रहा है। किसान आंदोलन एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर की शूटिंग पर आदम के, प्रदर्शनकारी बोले विरोध पर अपनी राय दो। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को निशाने पर लिया। किसान समूह ने उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंचकर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। हालांकि प्रदर्शनों को लेकर एक्ट्रेस की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। वहीं सेट पर भीड़ के रूप में पहुंचे किसान डायरेक्टर के भरोसे के बाद ही वहां से हटे। उत्तराखंड से रोमांस के सफर को हो जाए तैयार, ओली में फरवरी में होंगे विंटर गेम्स, खुलेगा स्केटिंग ट्रेनिंग स्कूल। आप अगर साहसिक खेलों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए। शीतकालीन खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध ओली में स्कीइंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाएगा। इससे देश दुनिया से आने वाले प्रशिक्षकों को स्केटिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, वही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फरवरी में ओली में विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा, यह जानकारी पर्यटन सचिव दिलीप जावड़कर ने दी। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा मिलकर बनाई गई भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को भारतीय सेना की प्रदर्शनी में दिखाया गया। सेना के अधिकारी ने बताया ASMI 9mm फायर करती है। दुनिया में मौजूद सारे स्कोप इस पर लग सकते हैं। इसकी हमला करने की सीमा 100 मीटर है। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 83 LCA तेजस, पीएम मोदी ने लगाई सबसे बड़ी रक्षा खरीद पर मुहर। भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगा दी है। भारत सरकार ने भारत में ही बने चौथी पीढ़ी के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान तेजस की खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस सौदे पर आज पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी।
कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कहा, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के दम पर केजरीवाल बिजली पानी फ्री दे सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, वहीं केंद्र सरकार राज्यों तक वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने में जुटी है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने वाला है। इन सब के बीच कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली वालों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के दम पर केजरीवाल बिजली पानी फ्री दे सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते। आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे, कृषि कानून जैसे खत्म हो सरकार इस पर काम करे। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया है तो हम 10 साल पुराने ट्रैक्टर को दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाएंगे, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा। कनाडा के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा भारत सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की योजना सराहनीय कदम। कनाडा सांसद सदस्य बॉब सोरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाए जाने की योजना का स्वागत किया है। कनाडा के ओंटारियो इलाके के मार्कम यूनियन बिल के संसद सदस्य बॉब सोरे ने जनवरी 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें घाटी में दोबारा बसाए जाने की योजना का स्वागत किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनएससी में चीन और पाक को लताड़ा, कहा आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने में रुकावट डालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले आतंकवाद के मुद्दों पर भारत की बात की पूरी दुनिया अनसुनी करती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से यूएन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाने लगा है। इसका नतीजा यह है कि यूएन ने कई आतंकवादियों पर कार्रवाई की है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान अभी भी अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगे हैं। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शंखनाद मोदी करेंगे 16 जनवरी को शुभारंभ। देश में एक साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को जल्दी कोरोना वैक्सीन मुहैया किया जाएगा। बता दें कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने के लिए बनाई गई कोपिन ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। खबर खेल जगत से, बाबुल सुप्रियो ने धीमी पारी को लेकर किया कमेंट तो हनुमान बिहारी और रविचंद्र अश्विन ने दिया करारा जवाब। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इस मैच में टीम इंडिया को हार से बचाने के लिए हनुमान बिहारी और रविचंद्र अश्विन के संयम भारी पारी को जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन भारतीय सांसद बाबुल सुप्रियो को इनकी बैटिंग शायद पसंद नहीं आई। विराट कोहली के पिता बनते ही बढ़ गई ब्रांड वैल्यू, नए विज्ञापनों से मिलेंगे करोड़ों रुपए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के आंगन में 11 जनवरी को नन्ही परी का आगमन हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि विरुष्का के घर साक्षात देवी लक्ष्मी के श्री चरण पड़े हैं। अब उनके घर अब धन की बम्पर बरसात होने वाली है, क्योंकि कई विज्ञापन कंपनियां इस मौके को भुनाना नहीं चाहती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।